दोस्तों, आप भी अपने घर में थर्मोकोल की सीलिंग का काम करना चाहते हैं, फाइबर की सीलिंग का काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जानकारी लीजिए कि कैसे ये थर्मोकोल की सीलिंग बिठाई जाती है अपने घर में। तो ये देखिए, मैंने खुद ही अपने घर में ये काम किया है। तो दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है, और इस वीडियो को देख के आपकी आपकी जो मुश्किल काम है वो आसान होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, सीमेंट का जो ये शेड है, ठीक है, तो गर्मी के टाइम पे रूम में काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो हम लोग डालेंगे इसमें थर्मोकोल की शीट। तो थर्मोकोल की शीट डालने से पहले हम लोग ये सीमेंट के शीट को वाइट पेंट मार देते हैं, तो क्या है, 1 से 5 डिग्री टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद हम लोग थर्मोकोल का शीट डालेंगे तो और भी ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इतना हिस्सा में हम लोगों ने कर दिया है और यहाँ पे हम लोग थोड़ा बाकी है करने का। तो भाई जो है, सीमेंट का जो पतरा है उसको चूना मार रहे हैं, वाइट चूना। आप वो बिरला पुट्टी को भी आप थोड़ा पानी डाल के वाइट चूना जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रूम में थर्मोकोल की शीट बिठाने के लिए पहले ऐसा वाला पट्टी लगाना पड़ेगा, ये एल्यूमिनियम का पट्टी है। तो सबसे पहले जो रूम का जो बॉर्डर है, यानी रूम का चारों तरफ का दीवार, उसमें एल प्रोफाइल पट्टी लगाना पड़ेगा। तो ये है एल्यूमिनियम का एल प्रोफाइल पट्टी, ये देखिए, ये एल प्रोफाइल है और ये टी प्रोफाइल, ये वाली पट्टी है वो टी प्रोफाइल है। और ये सभी पट्टियों का लेंथ है 12 फुट, तो 12 फुट की ये सब पट्टियाँ है, ये देखिए। तो 15x15 का जो रूम है उसके लिए पट्टी मैंने ली थी, वो पट्टी मेरे को 2800 रुपीज़ में आई, 15x15 की पट्टी, 15x15 रूम का लगाने के लिए पट्टी। तो ज़्यादा महंगी नहीं है। तो दोस्तों, एल प्रोफाइल की जो पट्टी है एल्यूमिनियम की, वो रूम का चारों तरफ ऐसे लगाने का, ये देखिए। और ये हम लोगों ने लगा दी एल पट्टी पूरा रूम में, और इसमें आएगी टी स्ट्रिप आएगी इसमें। अभी एल्यूमिनियम का जो एल प्रोफाइल है उसमें टी प्रोफाइल कैसे बिठाए। तो टी प्रोफाइल का जो पट्टी है वो इसको यहाँ से इतना हिस्सा निकाल के ग्राइंडर से काट के फिर यहाँ पे होल कर दीजिए, और इसको पकड़ प्लायर से ऐसे मोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसको मोड़ के दिखाता हूँ। ऐसे और यहाँ पे आएगा नट बोल्ट आएगा यहाँ पे। तो ये वाली जो पट्टी है वो दीवार में यहाँ पे लगी हुई है, ऐसे ऐसे लगी हुई है। तो इसको ऐसे लगाया जाएगा यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है एल प्रोफाइल और ये है टी प्रोफाइल। तो इसको मैंने पहले बताया, थोड़ा सा काट के ऐसे मोड़ के यहाँ पे खिला मार देना पड़ेगा। तो देखिए मैंने कैसे लगाया है, यहाँ पे देखिए ऐसे, और इसको भी यहाँ पे देख लीजिए, ये टी प्रोफाइल है, ये भी टी प्रोफाइल है। इसको इतना काट के यहाँ पे नट बोल्ट से ऐसे लगाया जाएगा, लेकिन इसके जो लाइन है उसका ख्याल रखना पड़ेगा, ये लाइन साथ में रहना चाहिए, एकदम सीधा दिखना चाहिए। अभी एल्यूमिनियम की जो टी प्रोफाइल पट्टी है उसको जॉइंट करने के लिए हमको कैसे जॉइंट करने का, तो ये जो पट्टी है वो उसका जो साइज़ है वो 12 फीट है, तो रूम का साइज़ होता है 15 फीट, 16 फीट, 14 फीट ऐसे होता है, तो हमको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 होल मार दे ऐसे, यहाँ पे और यहाँ पे 2 होल, और ये वाली पट्टी है उस पर यहाँ पे मार्किंग करके 4 होल कर देना पड़ेगा ऐसे, और यहाँ पे नट बोल्ट आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ।
और इसको मार्कर से ऐसे मार्किंग कर दीजिए। ये रहा, अभी ये चार होल बना के यहाँ पे लगा के यहाँ पे नट बोल्ट आएगा, तो ये अपना ट्रिप हो पाए जॉइंट हो जाएगा। अभी इसको चार होल बना दिए हमने, अभी इसको इधर ऐसे लगा के ये वाले जो स्टेनलेस स्टील के जो नट बोल्ट है वो यूज़ करें। इसका जो साइज़ है वो 2.5 mm है, तो अभी मैं इसको लगा देता हूँ इसमें। अभी इसके साथ एक वॉशर आता है बड़ा वाला, वो पीछे लगाने का ऐसे। तो ये जो छोटे छोटे नट बोल्ट है ये वाले, इसकी जो प्राइस है वो 3 रुपये है, स्टेनलेस स्टील के है, 3 रुपये एक का प्राइस है इंडिया में, तो ज़्यादा महंगा नहीं है। अभी ऐसे करके और ये 3 नट बोल्ट इधर लगाना पड़ेगा। तो एल प्रोफाइल और टी प्रोफाइल को मैंने पूरा बिठा दिया, ये देखिए। यहाँ पे एक बार मैं पूरा रूम का दिखा देता हूँ, ये देखिए। अभी सिर्फ थर्मोकोल का सीट बिठाने का है, और अभी मैं आपको थर्मोकोल का सीट बिठाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो एल प्रोफाइल है जो कि दीवार में फिट किया हुआ है, वो मैंने खिली से फिट किया हुआ है, ये वाली खिली से, ये वाली खिली से मैंने एल प्रोफाइल फिट किया है। और जो अपना टी प्रोफाइल है उसके लिए मैंने ये पूरा स्टेनलेस स्टील का स्क्रू है, नट बोल्ट है, इससे मैंने ये मैंने इस्तेमाल किए हैं टी प्रोफाइल फिटिंग करने के लिए। और अभी मैं आपको एल्यूमिनियम का सीट में दिखाता हूँ, और ये है एल्यूमिनियम का सीट जो कि 50 mm थिकनेस का है, 1000 mm इसका लंबाई है और 500 mm इसका चौड़ाई है। तो अभी मैं आपको इसका चेक करके मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है थर्मोकोल की 50 mm की सीट जो कि वो अपना रूम में लगने वाली है। तो इसकी जो थिकनेस है वो 50 mm, देखिए 50 mm इसकी थिकनेस है। इसकी जो लंबाई है वो 1000 mm, मतलब 1 मीटर है, ये देखिए 1000। और इसकी विड्थ मैं दिखाता हूँ, विड्थ है इसकी 500 mm, ये देखिए। तो ये है अपनी एल्यूमिनियम की सीट, एक 15x15 रूम के लिए 40 सीट चाहिए, 40 सीट की ज़रूरत पड़ेगी 15x15 का एक रूम के लिए। तो अभी मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ। उससे पहले अपना एल्यूमिनियम का जो फ्रेम है उसको मैं हम लोग सपोर्ट देना पड़ेगा तार से, क्योंकि ये बीच में से लटक नहीं जाना चाहिए, उसके लिए हमको तार का सपोर्ट देना पड़ेगा। तो तार के लिए ये वाला तार इस्तेमाल करें, ये वाला जो कि प्योर स्टेनलेस स्टील का तार है, ताकि कभी लोहे का तार लगाएगा तो वो जंग नहीं पकते इसके लिए। तो अभी मैं तार से सपोर्ट देके आपको दिखाता हूँ। अभी तार से सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे एक ऐसा होल बनाना पड़ेगा, और तार का सपोर्ट हम लोग इसके साथ देंगे। तो मैं आपको तार का सपोर्ट देके दिखाता हूँ। तो देखिए ऐसे तार का सपोर्ट दिया जाता है ऐसे। अभी इसको तार को यहाँ से मैं कट कर दूँगा। तार का सपोर्ट इसीलिए कि अभी ये एल्यूमिनियम का जो फ्रेम है और यहाँ पे थर्मोकोल का भी फ्रेम आने वाला है, तो वजन से लटक नहीं जाए। वैसे तो सब कुछ, एल्यूमिनियम भी हल्का होता है, थर्मोकोल भी हल्का होता है, तो लटकने का सवाल नहीं होता है, फिर भी हम लोग को ऐसा सपोर्ट दे देना चाहिए। तो दोस्तों रूम का जो सीलिंग थर्मोकोल सीलिंग का जो काम है वो ऑलमोस्ट अभी ख़त्म होने को आया है। ये देखिए अभी थोड़ा सा बाकी है उस साइड पे। अभी इधर ये देखिए एक कॉर्नर पे। दोस्तों थर्मोकोल का सीलिंग का काम करने के लिए एक 8 फीट का एल्यूमिनियम का लैडर बहुत ज़रूरी है, ये देखिए। और थर्मोकोल का सीट बिठाने के टाइम पे एक फेविकोल का ट्यूब है, वो एल्यूमिनियम की पट्टी को चारों तरफ लगा दे तो थर्मोकोल का सीट अच्छे से चिपक जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थर्मो फेविकोल लगा के।
अभी ये है अपना एल्यूमिनियम की टी प्रोफाइल सीट, तो यहाँ पे आएगा फेविकोल, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे लगा दे फेविकोल ऐसे चारों तरफ पे ऐसे करके लगा दे। ये फेविकोल का ट्यूब है, 5 रुपये का है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और उसके बाद ये वाली थर्मोकोल की शीट यहाँ पे बिठाने की, और उस थर्मोकोल की शीट बिठाने के बाद ऐसा एक लकड़ी का वजन रख दे चिपकाने के लिए, आधा घंटा इसको रखे, बाद में उसको निकाल दे। तो देखिए अंदर का साइड ये ऐसा आएगा दोस्तों, देखने के लिए भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जब ख़त्म हो जाएगा तब भी और खूबसूरत लगेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको ख़त्म कर देते हैं बाकी के काम को। तो दोस्तों देखिए सीलिंग कैसा लग रहा है, अभी सिर्फ एक ही सीट बाकी है, वो एक लास्ट वाला सीट है, वो उसको बिठाने में के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर से दबाने के लिए प्रॉब्लम है थोड़ा, तो एकदम डायमंड से लेके कट टू कट कटिंग करके हम लोग बिठाएंगे इसको। ये लाइन भी पूरा हो गया, कॉर्नर में से दिखा देता हूँ आपको, देखिए बहुत ही अच्छा रूम लग रहा है। अभी हम लोग जल्दी से इसको बिठा देते हैं। तो फाइनली रूम का थर्मोकोल सीलिंग का काम ख़त्म हुआ। तो दोस्तों देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये ख़त्म हुआ, और कोई ज़्यादा बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद ही ये काम अपने घर में कर सकते हैं। तो अभी इसकी कॉस्टिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। जो एल्यूमिनियम की जो पट्टियाँ है, ये 15 बाई 15 का रूम है, 15 फीट बाई 15 का रूम है। तो एल्यूमिनियम की कॉस्टिंग है वो 2,800 रुपीज़ की है, और थर्मोकोल की कॉस्टिंग है वो है 3,200 रुपीज़। तो ये रूम जो है 6,000 में कंप्लीट हो गया। उसका जो नट बोल्ट आया था वो 100-150 रुपये का आया था, तो यही पकड़ लीजिए कि 6,200 रुपीज़ में ये काम ख़त्म हो गया। लेकिन आप अगर बाहर कॉन्ट्रैक्टर के पास करवाएंगे तो मेरे को बाहर मैंने पूछा था तो 15,000 बोला था। तो आप खुद ही ये काम अपने घर पे कर सकते हैं, मेरी वीडियो को देखिए, और अपने घर में करना कहा करना है तो आप खुद ही ये कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो को अभी इधर ही एंड करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।